रने थाना परिसर में बिखरी पड़ी ऐतिहासिक धरोहर, सालों से पड़ी मूर्तियों का नहीं हो रहा रखरखाव। हटा अनुविभाग के पुलिस थाना रने परिसर में प्राचीन काल की पाषाण प्रतिमाएं पड़ी हुई हैं। देखरेख के अभाव में यह ऐतिहासिक मूर्तियां धूल खा रही हैं। सालों से पड़ी इन मूर्तियों की शुद्ध संबंधित पुरातत्व विभाग द्वारा नहीं ली गई, ना ही पुलिस विभाग द्वारा इन मूर्तियों को सुरक्षित पुरातत्व संग्रहालय में भेजने की कोई ठोस कवायद की गई। थाना परिसर में कई मूर्तियों के टूटे टुकड़े भी जर्जर हालत में हैं। यदि समय रहते इनका उचित रखरखाव नहीं किया गया तो प्राचीन विरासत का अस्तित्व नष्ट भी हो सकता है। दरअसल राजा नल की नगरी कहे जाने वाले रने गांव में कई वर्षों पूर्व तालाब खुदाई के दौरान कई प्रकार की पाषाण मूर्तियां मिली थी। सुरक्षा के लिहाज से लोगों द्वारा इनमें से कुछ मूर्तियां थाना परिसर में रखवा दी गईं। तब से यह मूर्तियां थाना परिसर में पड़ी हुई हैं। वहीं कुछ मूर्तियां गांव में भी तालाबों और अन्य जल स्रोतों के पास स्थापित हैं। थाना परिसर में आधा दर्जन से अधिक मूर्तियां देखरेख के अभाव में जर्जर हो रही हैं। इनमें अधिकतर मूर्तियां जैन धर्म से संबंधित भगवानों की बताई जा रही हैं। स्थानीय लोगों की माने तो रने गांव में खुदाई के दौरान कई मूर्तियां निकली थीं, जिनमें से कुछ मंदिरों में भी स्थापित की गई थीं। पूरे मामले पर रने थाना प्रभारी द्वारा मूर्तियों के संरक्षण के लिए पुरातत्व विभाग को पत्र लिखने की बात कही गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक दमोह द्वारा भी बताया गया है कि तालाब खुदाई में मिली करीब 4 से 5 मूर्तियाँ करीब 15 से 20 वर्षों से यहाँ रखी हुई हैं। पूर्व में पत्र व्यवहार किया गया था, अब पुनः हम पुरातत्व विभाग से चर्चा कर मूर्तियों को यथास्थान भेजने का प्रयास करेंगे। इस संबंध में पुरातत्व विभाग अधिकारियों से भी हमने बात करनी चाहिए, लेकिन वे उपलब्ध नहीं हो सके। खबर हटा के साथ दीपक पटेल की रिपोर्ट।